आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों जैसे कि आप लोग ने वीडियो क्लिप देखा तो मैं ये कन्फर्मली आप लोग को नहीं बता सकता कि वो वीडियो एल्बम के बाद वाला है या फिर पहले वाला है या फिर इंडियन आइडल के पहले वाला वीडियो है, तो कन्फर्मली नहीं है। बट जहाँ तक लग रहा है कि एल्बम के बाद वाला वीडियो हो सकता है, ठीक है, पहले वाला भी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि रितो रिवा जो है, आप लोग कौन सा गाना गा रहे थे आप लोग अंदाजा पता चल ही गया अंदाजा में, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सा गाना है, किन्होंने गाया था। और ये जो गाना है गाइस ओल्ड सॉन्ग है, और चलिए आपको मैं बताऊँगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और आपको वीडियो अगर पूरा देखना है उनका तो वो वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग वो वीडियो देख सके। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि ये गाना है तो मैंने भी थोड़ा गा के बता दिया आप लोग को, कुछ भी अगर गलत हुआ है तो आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये जो गाना है ये ओल्ड सॉन्ग है, ओल्ड मतलब ओल्ड नहीं बोलेंगे, ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है, ओल्ड इज़ गोल्ड। ये जो गाना गाए हैं लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने, ये जो गाना है निभाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वॉइस से, ठीक है। तो ये जो गाना है इनको वो गा रहे थे एक प्रोग्राम, शायद स्टेज शो में ये गा रहे थे गाना, ठीक है, गा रहे थे। तो वो वीडियो क्लिप उठा के कोई डाल दिए हैं, तो यहाँ मुझे पता चला, इनका वीडियो मुझे मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन आइडल में क्या हुआ था कि इनका जो कंपोजिशन, ये तो बोल रहा है कि ओनली कंपोजिशन ही करता है, सिंगिंग को सॉन्ग तो ऐसा कोई गाता नहीं है, या फिर ओल्ड सॉन्ग गाने सकेगा या फिर नहीं सकेगा, क्योंकि आप लोग अभी देख रहे हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट है इंडियन आइडल में हर कोई पुराना सॉन्ग गा रहा है। और कहीं ना कहीं इनको संदेह किया जा रहा था कि ये शायद हो सकता है कि ये सीखा हुआ भी तो नहीं है और ओल्ड सॉन्ग उतना अच्छे से गा पाएगा कि या फिर नहीं गा पाएगा। तो आप लोग गाइस वीडियो देख के जरूर बताइएगा वीडियो देख के कि ये कितने अच्छे से गाए हैं या फिर नहीं गाए हैं। दोस्तों अगर ये गाना आप लोग को पूरा सुनना है, वीडियो पूरा देखना है, तो आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक आपको यहाँ पे बात आप लोग को बता दूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बात है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो गाना गाए हैं, ठीक है, ये जो गाना गा रहे हैं ना, ये जो गाना गा रहे हैं उनका एक अलग फीलिंग के साथ वो गा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो गाना को हूबहू गा दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे हीर रांझा में वो अपना स्टाइल दिए हैं, उसी तरह से इस गाने में, ये तो उनका गाना नहीं है, इस गाने में क्या है कि ये अलग वेरिएशन से गा रहे हैं, ठीक है, जिनमें सुनने में बहुत ही मज़ा आ रहा है हर किसी को सुनने। अगर वो ओल्ड सॉन्ग को भी अगर अपना बना के गाते हैं ना तो आप लोग को बहुत ही अच्छा सा लगेगा सुनने में, ठीक है। तो यही इसी तरह का कुछ इनमें क्वालिटी है गाइस, इस वजह से ये पॉपुलर हो रहे हैं और वॉइस टेक्चर जो है इनमें बहुत ही अच्छा है। और कहीं ना कहीं शायद इनको संदेह करके निकाल दिया गया था इंडियन आइडल से कि ये शायद इस तरह का गाना नहीं निभा पाएगा, इस तरह का गाना नहीं कर पाएगा। तो मैं खुद शॉक्ड हो गया गाइस इस तरह का सॉन्ग सुन के, क्योंकि मैंने जब सुना ये तो रोमांटिक गाना गाते हैं और इस तरह का गाना वो कैसे गा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी रोमांटिक सॉन्ग है बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सॉन्ग है, ऐसा नहीं बात नहीं कि मतलब कुछ भी गाना। तो ये देखिए वर्सटाइल सिंगर है, मैं जहाँ तक बोलूँ ना आप लोग को, ये वर्सटाइल सिंगर है, अगर इंडियन आइडल में ये रहते ना तो विनर होते, 100% वे विनर होते, ठीक है। तो ये वर्सटाइल सिंगर है, हर तरह का इनको गाना आता है, ऐसा नहीं कि कोई भी गाना नहीं गा पाएंगे, ऐसे रॉक गाना बोलिए, रोमांटिक गाना बोलिए, ठीक है, गज़ल बोलिए, गज़ल भी गाते हैं, जी हाँ गाइस गज़ल सॉन्ग भी गाते हैं। तो आप इनको कुछ भी गाना गवा सकते हैं, और इस तरह का जो सिंगर, उनको म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह का जो सिंगर होता है, इनको इनका बहुत ही डिमांड होता है, और इनका लिरिक्स लिखने का भी कला है। तो इनका मुझे जहाँ तक लग रहा है इंडस्ट्री में तो इनको अभी से बुला रहा है शायद, इतना कॉन्टैक्ट मिलेगा ना गाइस, इतना कॉन्टैक्ट मिलेगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यही दोस्तों आप लोगों को बताना था कि ये ओल्ड सॉन्ग भी अच्छे से गाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं गाइस एक न्यू वीडियो में। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर